दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के पहले दौरे पर आए नए जीएम प्रदीप कुमार ने जलंधर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। इस दौरान जीएम प्रदीप कुमार ने रेलवे प्लेटफार्म पर बने काउंटरों, स्टेशन तथा पूछताछ केंद्र व सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों के साथ वार्तालाप कर उन्हें रेलवे प्लेटफार्म तथा स्टेशन को साफ सुथरा करने के आदेश भी दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि जलंधर में रेलवे एरिया को साफ सुथरा बनाया जाएगा और रेलवे से शहर में प्रवेश को भी सुंदर बनाया जाएगा और पार्किंग व्यवस्था भी ठीक की जाएगी। इसके लिए नगर निगम से संपर्क किया जाएगा। मुझे मौका लगा, आज हम प्लान किया था तरन तारण से विंडो ड्रिलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो पहली बार जब देखा था तो अमृतसर स्टेशन देखा था, कुछ काम वहाँ बताए हुए थे तो काफ़ी काम वहाँ पे हो गए हैं। उसमें एक तो जो एस्केलेटर है वो चल गया है, एस्केलेटर के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में भी अच्छा अरेंजमेंट हो गया है। सेकेंड एंट्री की तरफ वहाँ पे थोड़ा बीच में चूहों का काफ़ी आतंक था, वो ठीक हुआ है। फुटओवर ब्रिज के ऊपर में बीच में डिवाइडिंग रेल लगाया हुआ है, उससे यात्रियों के आने जाने में सुविधा होती है। और वहाँ पर एक जो बुकिंग काउंटर्स थे जहाँ पे जनरल क्लास पैसेंजर्स आते थे, उस तरफ भी इम्प्रूवमेंट का काम अभी जारी है। उसी के तहत मैं यहाँ पर भी आया था तो जलंधर में सर्कुलेटिंग एरिया में अभी मुख्य काम जो रिक्वायर्ड है वो ह्यूम पाइप्स का एक है, वहाँ पे ड्रेन का रिप्लेसमेंट होना है। मुझे बताया गया है कि थोड़ा जो लोकल यहाँ पर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में थोड़ी सी कोई समस्या अभी है। आई एम क्वाइट श्योर कि DRM और हमारे अधिकारी उनसे मिलकर उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे।